Hi guys, Assalamualaikum. This is me Udhafa Khan and welcome back to my YouTube channel. तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है, आज मैं मम्मा और हम आज जा रहे हैं कहीं काम से ऐसी बाहर मम्मा के, लेकिन हम थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे, लेकिन हम जा ऐसे ही रहे हैं आज, क्योंकि मैं लास्ट व्लॉग के अंदर मैंने कहा था कि मैं डेली व्लॉगिंग करूंगा, सारे दिन आपको अगस्त के व्लॉग्स मिलेंगे मेरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ मैं चला गया था जमात में, मुस्लिम बॉय तो मैं चला गया था जमात के अंदर, जमात से आया हूँ मैं आज, और भी मैंने सोचा चलो आज से ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चार दिन के वो था उधर, मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता था, कुछ बना सकता नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं किया, तो बस अब बनाते हैं आज से व्लॉगिंग और चलते हैं देखते हैं कहाँ, और बड़ा मज़ा आने वाला है, सो लेट्स गो। तो भाई आज भी मम्मा मुझसे पहले से रेडी हुई हैं, और पिछले दो घंटे एक घंटे से मम्मा कह रहे हैं कि तुम लोग के साथ जाओ, जब जाना हो तब तुम लोग मेरे से फुहार करवा देते हो, पूरा दिन निकलवा देते हो, तो ये नहीं अम्मा जी मैंने खाना बना लिया, मैंने तो बाहर क्या खाएंगी? रोटी भी खा ली। रोटी भी खा ली? अच्छा मम्मा ने खाना इसलिए बनाया क्योंकि अगर हम रात जिस दिन बाहर चले जाए तो हम बाहर से आके रात में दो तीन बजे लेट हैं, फिर खाना मंगवाते हैं, तो मैंने कहा कि कोई बाहर का खाना नहीं खाएगा, जो मैं बना रही हूँ वो खाएगा। बाहर का कभी कभी, हाँ कभी कभी चलता है बस, मैं तो कभी कभी ही खाता हूँ। लेके कहाँ जा रहा हूँ? अच्छा हाँ, हमारी वो भी तो रह गई थी, मम्मा को सिल्वर बटन की ट्रीट भी रह गई थी, तो सोच रहा हूँ आज वो देता हूँ, शॉपिंग भी करानी थी, वो शॉपिंग नहीं कराई, वो नेक्स्ट डे, वो कल करते हैं चल, ठीक है, क्योंकि चला गया तो अम्मा जमात में। मैं तो मना कर रही हूँ कि शॉपिंग ना कराओ। नहीं मैं तो कराऊँगा, हम तो जाएंगे शॉपिंग पर, तो बस हमारा रेडी होता है, लड़के भी कम टाइम लगाती है, इतना हमारा लगा रहा है यहाँ पर खड़ा हुआ। तो भाई हमारे हमाद भाई फाइनली तैयार हो गए, अम्मा कितनी देर में जाने का साथ। तो ये तैयार होता, हाँ छत पे बैठा हुआ था सुकून से, बाकी कहीं पर ही भेज दो इसको, फौरन चला जाएगा। आम में आपने चाट मसाला डाला है? आम में चाट मसाला कौन डालता है? मैं चलें, अम्मा अभी भी कह रहे हैं मुझे 8 बजे तक भेज छोड़ देना। तो भाई अभी मैं आके बैठ गया हूँ और मम्मा हमारे दोनों भी देखते हैं कब से रेडी बैठे हैं लोग, लेकिन नीचे आने का इनका कोई प्लान नहीं है, और अभी भी कुछ पता नहीं है कि हम जा कर रहे हैं। ओहो आज पेट्रोल है गाड़ी में भैया। आ जाए, 15 मिनट हो गए आपके गाड़ी के अंदर बैठे हुए, सिर्फ आपका इंतजार करते हुए देखा। हाँ रेडी होने के बाद भी 15 मिनट आपका वेट किया, नीचे खड़ोगे? मैंने क्या नहीं कर रहा था, मैं आपका वेट कर रहा था, सब एक दूसरे को बोलने में लगे हुए। चलो भैया चलते हैं, हम जा कर रहे हैं वैसे, मम्मा का काम था, हम वहाँ नहीं जा रहे, लेकिन अब हम गाड़ी में चलते हुए डिसाइड करेंगे, फिर आपको बताएंगे। लेट्स गो। तो भाई अब हम निकल रहे हैं, हम लोगों ने फाइनली पहले हम गुलशन गए, वहाँ से हम वापस आ गए क्योंकि हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी खाने पीने के लिए, तो अब जा रहे हैं हुसैनाबाद फ्रीकिंग फ्राई, मम्मा को हमने एक बार खिलाया भी था, हमने पहले भी बहुत बनाया था उसका, लेकिन आज हम उनके पास कुछ नई चीज़ ट्राई करने जा रहे हैं, वो तो खैर आपको दिख ही देगी, तो अम्मा हाँ क्या है, बस वो दिख जाएगी आपके लिए भी सरप्राइज है। तो भाई चलते हैं फ्रीकिंग फ्राई और बस मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, जो आप देखेंगे खाते हुए आप लोग को भी मज़ा आ जाएगा। तो भाई हम आए हुसैनाबाद पे और जो हमने खाना था वो हम खा नहीं सकते क्योंकि वो कम से कम भी 7 बंदों का था, सिर्फ वो खाना है, एक बर्गर था लाइक ह्यूज बर्गर केक उसका नाम था, तो वो हम खा नहीं सकते क्योंकि हम हैं टोटल 3 बंदे, अब वो खाना है कम से कम भी 7 से 8 बंदों का, तो वो हो गया हमारा कैंसिल, लेकिन मैं उसकी जगह बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं, तो मम्मा भी सामने नमाज़ पढ़ रही हैं और मम्मा नमाज़ पढ़ लें तो हम जाके बैठते हैं, वो आएंगे हम दोस्तों का खाना है तो ले बंद कर देना वीडियो, सुनने नहीं दिए, मुझे से सुन रहा था मैं यार, थोड़ा पीछे करके सुन ले वापस, मैंने भेजी हुई यार। हाँ तो यहाँ से आगे हो जाती है यार, ये देख गाड़ी में, गाड़ी की सीट पे बैठ के कैसा लग रहा है वैसे, स्टीयरिंग के सामने बैठ के बाइक में ज्यादा मजा आता है यार, गाड़ी देते नहीं तो बाइक में आता ही मजा आता है बेटा। ओके बस, तो बस अभी मैं सोच रहा हूँ अभी नमाज पढ़ के आता हूँ फिर खाते हैं। तो भाई अभी आए हम फ्रीकिंग फ्राई पे, जो हमने खाना था वो तो हमने नहीं मंगाया क्योंकि वो हम इतने लोग नहीं है साथ, वो एटलीस्ट कितना बड़ा साइज था बर्गर का, 7 बंदों इतना ही था,
तो वो आने नहीं मम्मा, हम अपने दोस्तों से जाएंगे तब खाएंगे। अभी हमने चार पांच चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं तो वो आ जाए, मम्मा अंदर बैठी हैं, मैं यहाँ पे देखने आया हूँ कि बना कैसे रहे। कितना और रह गया मेरा टाइम? हाँ यार, ये बीफ ना बिल्कुल गरम गरम डालना। तो बर्गर, बीफ और कुछ तीन चार चीज़ें, नाम ही नहीं पता मुझे तो इसे, तो बस वो आ जाए। हॉलीडे टाइम कितना फ्रेश। क्या देख रहा है? हाँ अभी इंतजार नहीं हो रहा है यार, ज़्यादा लग रही है। तो आओ मम्मा के पास चलते हैं। तो भाई ये हमारे कांटो वाले फ्राइज बन गए हैं। पॉट फ्राइज और दो चार चीज़ें हमारी रह गई हैं, वो एक देखो रही है और दूसरी इसके अंदर है। पूछे खाते हैं जाहिल इंसान, तमीज़ नहीं है तुम लोगों को खाना खाने की। जहाँ अच्छा खाना नहीं देखा वहाँ घुस जाते तुम लोग यार। तो ये हमारे पॉट फ्राइज बन गए, बाकी दो चीज़ें हमारी अंदर हैं वो आ जाए, क्योंकि मम्मा को खाना इस तरह का बहुत पसंद है अक्सर, कभी कभी, वरना तो उनको पास्ता खिला दो, स्टेक्स खिला दो, ये चीज़ें खिला दो, खाती रहेंगी। और ये बन रहा है हमारा सैंडविच, कौन सा नाम पता नहीं क्या बोला लेकिन सुन के अच्छा लगा बहुत। क्या कैमरे साहब, मुझे जाहिल है बस, वो सही है। चलो स्पाइसी बस सही है। हाँ ये तो खैर बहुत ही मज़ेगा था, जब भी मैंने डायरे आते हैं मोबाइल से, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कहा था तो बहुत मज़ेगा। आप लोगों ने देखा ही होगा वैसे मेरा ब्लॉग पुराना वाला, ये कितना स्पाइसी लगा, देखो दोबारा देख लेंगे। यूज़ करना है आज बता दिया, देखो गाड़ी में पहुंच गया दोबारा, बस कर दे हमारी। ये देख मक्का ही। अब सोच रहा हूँ मक्का इसमें क्यों आई है, ये सोच रहा है यार। ये हमारा एक बड़ा मजे का है, ये तो खैर रेडी हो गया। इस दरिंदे को देखे हैं, इस दरिंदे चलो यार, ये भी ठंडा ना हो जाए, ये रखे रखे ठंडा ना हो जाए, नहीं होगा की बात है हुआ तो। और ये हमारा जाएगा उसके अंदर रोस्ट, वो रोस्ट क्या कहलाते हैं, सॉरी हाँ लेकिन क्या बोल रहे हैं, समझ को भी नहीं आया मुझे लग रहा है। बर्गर आ रहा है क्या? चलो ये भी हमारा मेरे ख्याल से जाएगा ना, ये भी बेक होगा ना, ऐसी शक्ल आ जाती है यार। प्राइस तो बड़े मजे के लग रहे हैं देखने से, खैर इनका खाना बहुत अच्छा मैंने पता लगता है, जब भी तो मम्मा को लेकर चला गया भाई। चलो भाई, तो भाई ये बर्गर भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और बंदे की शक्ल देखे किस तरह हमारे खाने को देखे दारा देखे दारा है। मैं सारा खाना बनते हुए देखा है। अच्छा मेरे गुस्सा के देख मोबाइल मुंह पे कैमरा। बस बस छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ये हमारा बर्गर भी बन गया। क्या बात है यार, जो बर्गर हम खाने आए थे वो बर्गर खा सकते थे कि हम तीन बंदे? साइज यूज है 4 kg का नेटवर्क। अच्छा मतलब कितने बंदे खा सकते थे? तू आ जा, तू बोल ना बीच में, एक काम कर। ये हमारे फ्राइज भी रेडी हो गए, ये भी रेडी हो गया यार, एक चीज़ रह गई हमारी बाकी ये ना, वो एक दो तीन और एक ये चार। चलो भाई चारों चीज़ें हमारी हो गई रेडी भाई, जस्ट लुक हमारी हो गई चारों चीज़ें रेडी यार। आई एम सो सॉरी गाइस, आप लोग के मुंह में पानी आ गया वो देख के वैसे तो, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा आ गया है। ये आप ट्रे देखें, आप कितनी मजे की लग रही है, अंदर जा रहा है सॉरी गरम करो सर। चलो भाई चलें, क्या हुआ कहाँ पे ये देखा जबान, देखा जबान तो देखा। तो भाई फाइनली हमारा खाना आ गया है, तो बस आप एक बार तस्वीर देखें। पहले तो ये बताएं मम्मा आपको खाना देख के कैसा लगा है? मम्मा का दिल खुश हो गया आज। मम्मा हाँ आके बताइएगा। तो भाई ये हमारे पॉट फ्राइज हैं, ये हमारा सैंडविच है, ये हमारा बर्गर है, और ये हमारा आखिरी कैसा है, बहुत मज़ेदार।
अब बताएं खाया चिप्स खाए बस खाने का मौका दे देता हूँ। मैं मम्मा खुश हो गई क्योंकि मम्मा को हमेशा रोटी की जगह पे ले जाते हैं खिलाने के लिए। आज हमने प्रॉपर तरीके से मंगवाया सब कुछ क्योंकि हमें इतना मजे का लग रहा है तो मम्मा तो वाकई में अच्छा लग रहा है भाई देखने में नहीं खाने में भी अच्छा होगा। ये तो बीफ बर्गर है माना बीफ बर्गर खाएगा मम्मा। जो बर्गर हमने खाना था ना वो 8 बंदे खा सकते हैं 7 बंदे हम नहीं खा सकते थे। तो बस अब मैं भी खाता हूँ और आप लोग भी भाई ऊपर से है भी टोटल 4 चीज़ें और चारों इतनी मजे की लग रही है समझ नहीं आ रहा पहले खाऊँ गया ना ये खाने का दिल कर रहा है पहले तो बोलना पहले ये खा लेते हैं ये खाऊँ ये एंड में खाएंगे ना बर्गर स्टार्टिंग में मुश्किल है। हाँ क्योंकि बड़ा मैसी बर्गर हुआ हुआ चलो पहले बर्गर काटते हैं फिर खाएंगे। भाई ये है बर्गर का साइज़ ठीक है इतना बड़ा ये मेरे भूलता था इतना इसलिए हम बात भाई ने मेरा सब कुछ के पसंद दूर हो मैं कैसे मजे का ही है या प्लीज जज मत करना। दूर क्यों भाग रहे हो? बहुत मजे। कैसे मम्मा? ये चटनी बहुत मजे की रेड वाली बहुत स्पाइसी है। तो भाई सब खाली हमने सिर्फ फ्राइज रह गए हमारे और ये बर्गर रह गए। बर्गर ये भी खाता मजा था लेकिन हमने दोबारा से गर्म करवाने भेज दिया था क्योंकि हम ठंडे हो गए थे रखे रखे। फ्राइज भी बहुत मजे गए सैंडविच भी बड़ा अच्छा था और इनका एक और लंबा वाला सैंडविच था वो भी बहुत मजे का था। तो भाई हमने सिर्फ 4 चीज़ें मंगाई थी और इतना हैवी था कि हमारा टिकिन 4 थोड़ा टिकिन की वजह से भर गए हैं थोड़ा सा बर्गर बचा थोड़े से फ्राइज बचे हैं। तो बस हमारे लिए पर्सन चलते हैं यहाँ से आगे कुछ खा रहे दिल कर रहे हैं मीठा खाने का तो बस चलेंगे थोड़ा मीठा खाएंगे कुछ। तो भाई बीफ हमें पसंद नहीं आया था उन्होंने हमें पहले भी गाइड किया था कि ये वाला मत खाओ तो अब उन्होंने बनाया उसकी जगह ऑल्टरनेट हमें एक दूसरा बर्गर बना के दिया है वो तो बीफ का खैर लगी शक्ल से बहुत मजे करा है। तो ये वाला है ना उमेर भाई तो ये वाला बर्गर है भाई बीफ का ओ एक तो इतने इतने बड़े बड़े साइज़ की चीज़ें रखते हो कि मुँह में नहीं जाती हैं हाँ वही तो भाई इनका बर्गर है स्पेशल ही हो गई आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सैना बात भैया मेरे को सामने क्या ये मेमन डायबिटिक सेंटर के पास सामने ही आपकी ये शॉप है तो आप आ सकते हैं। ये उमेर भैया आपको बड़ी अच्छी तरह से अच्छा प्रोटोकॉल देंगे आपको ये बहुत इंशाल्लाह बस मेरा नाम ले लेगा 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ये यही आ जाएगा सबसे पहले तो भाई ये दोनों आगे पहले से जगह घेर के बैठ गए हैं और ये एक बर्गर इनको हमें मिला है मम्मा ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला है लेकिन खाएगा कौन अब ये भी तो बताओ ले जाते हैं भाई खा लेगा मैं तो कह रहा हूँ हाँ पैक करा पार्सल ही करवा ले चलो मैं लेके जाओ चलो पैक तो भाई अभी हम लोग खा के यहाँ से निकल रहे हैं मम्मा तो गाड़ी में जाके बैठ गए बर्गर वो भी हमने पार्सल करवा लिया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पेट भर गया एक तो इतना सस्ते में इतना अच्छा आपको कहीं और मिलेगा नहीं वैसे। तो ये है इनका ब्रेक एंड प्राइस जो भी है मुझे नहीं पता किसी जगह लिखा हुआ है। तो ये सामने इनकी लोकेशन है एक मस्जिद है और एक ये डेंटल कॉलेज है डेंटल हॉस्पिटल है डायबिटिक लेबन। तो भाई उमेर भाई यहाँ के ये आपको बहुत अच्छी एक प्रोटोकॉल देंगे और ये इनके हाथ का टेस्ट तो फिर आपको मज़ा ही करा देगा यार हंस तो ले यार भाई थोड़ा सा हंस ले यार थोड़ा सा हंस ले। तो भाई अब यहाँ से निकल गए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इनका यहाँ का ब्लॉग देखे बड़े वाले बर्गर के साथ 3-4 दिन के अंदर हम आएंगे बर्गर खाने के लिए बड़ा चैलेंजिंग बर्गर होगा वो क्योंकि इन्होंने हमारी शक्ल देखते ही कह दिया कि 3 बंदे आप नहीं खा सकते आप छोड़ दो क्योंकि उसका वेट 4 किलो उसका वेट ही कोई 4 किलो उसके बीफ का वेट 4 सिर्फ बीफ का अच्छा बीफ का क्वांटिटी ना वो 4 किलो इंस्टाग्राम में पोस्ट किया हुआ बर्गर भाई मैं आपको लिंक दूंगा नीचे ज़रा डिस्क्रिप्शन में जाके उनका इंस्टाग्राम को बर्गर चेक करेगा उसके बाद अगर कोई है मेरे साथ चैलेंज करने वाला 4-4 बंदों में तो आ जाए ज़रा आप देखते हैं कि क्या होता है। तो बस यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह बहुत मज़ा आया मेरे भाई चल भाई अब चल रहे हैं।
तो भाई अब आए हैं हम गोलगप्पे खाने के लिए। तो ये गोलगप्पे हैदरी के काफी मशहूर है, लेकिन बचपन में खाते थे, उसके बाद नहीं खाया क्योंकि उसके बाद तो लियाकताबाद के खाते थे। तो मम्मा को दिल कर रहा था कि यहाँ के गोलगप्पे खाने। हाँ ये भी काफी अच्छे गोलगप्पे। लियाकताबाद वाली तो खैर अलग ही बात है, उसकी तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो भाई अभी आए हम गोलगप्पे खाने, हमाद गए पीछे गन्ने के जूस लेने के लिए मम्मा के लिए, क्योंकि मम्मा जब स्ट्रीट फूड पे आती हैं तो मम्मा को हर चीज खानी होती है। अभी इनको आगे से वॉफल्स भी खाने हैं मीठे के अंदर, तो अभी हम वहाँ भी रुकेंगे, टेंशन मत ले। मतलब हम खाए इनके चक्कर में, बात ही है, देख रहे हैं। मैं तो अपना खाना बना के आई हूं। हाँ तो खाया कितना इन्होंने यहाँ पे, सब दिखाया हूँ मैंने, सब दिखाया है। मैंने नहीं खाया जी भाई कितने हो गए भाई आपके पैसे? अपने लिए पहले लाए। हाँ कितने हो गए? कितने मजे का लग रहा है, दिखाया ना, मैं पी के दिखाऊं ना पहले बोलवा लिया मुझे पता था ये बोलेंगी मानव भैया लाओ, थैंक यू। सच में मजे का यार, गिर गया थोड़ा सा, वाकई मजे का यार। तो ये आ गए हमारे गोलगप्पे, ये लीजिए अम्मा, गोलगप्पे खाएं। बड़ा ही मसला यार, संभाला नहीं जा रहा फोन। अच्छा मजे की बात बताऊँ, पीछे वाले पे रुक गए थे, तो यहाँ पे एक अंकल होते थे पहले ना, थोड़े से खतरनाक से। तो हमारे एक सर थे बचपन में, माजिद नाम था उनका, उम्मा कहती हूँ माजिद की शक्ल वाला तो बंदा ना, वहाँ चलो। I was like, कौन? कहती आगे वो देख माजिद की शक्ल वाला बंदा, मैं आके रुका हूँ यहाँ। आज तक हम माजिद को नहीं बोले, आज तक नहीं बोले उम्मा, बहुत पिटा है। ये नहीं बताना है, मुजफ्फर क्यों नहीं बोला ये बताओ, पढ़ाई के मामले में पिटना बनता है, पढ़ता दस के बाद पढ़ता, थप्पड़ एक पढ़ता था, मुजफ्फर दस की जगह रोता था। चलो भैया दो और पढ़ते थे और फिर दो पढ़ते थे, सही आपने सब सुन लिया आप लोगों ने, ठीक है भाई। ये देखेंगे कैमरा टूटा हुआ सारा। तो भाई अब जाके आखिरी चीज खा रहे हैं, वो है वॉफल्स। आज मम्मा का पेट नहीं भर रहा मुझे लग रहा है भैया। मैंने तो आपको कहा था कि मैं खाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ दो चार बाइट लूंगा। मम्मा बस करें, क्या हो गया इतना खाएंगे आज? माशाल्लाह आपने बहुत सारा खाया, क्योंकि आज हम लोग निकले भी बहुत दिनों बाद थे, तकरीबन कोई दो महीने बाद हम इस साथ निकले इस तरह से खाने के लिए। तो भाई खाना तो बनता था, अभी तक हजम नहीं हो रहा है खाना, तो बस ये खाते हैं और निकलते हैं, चले। तो भाई अब निकल रहे हैं हम घर। एक सेकेंड। तो भाई खाना पीना माशाल्लाह हमने सब कर लिया, हम काफी टाइम बाद इस तरह निकले थे। तो बस आज का व्लॉग करते हैं हम यहाँ खत्म। अगर मेरा व्लॉग पसंद है तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।